एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी, दैट इज अरेजा स्टाइवा. सो फर्स्ट पेस्ट ऑफ पैडी इज द राइस गंदीबग, दैट इज नेम इज लेप्टोकोरिजा वेरिकॉर्निस. क्लास इज की इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा एंड द फैमिली इज कोरिडी. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. फूड प्लांट क्या है जो इसका मेन होस्ट होता है, दैट इज राइस. अदर भी ये फीड करता है, उनको भी इन्फेस्ट करता है, मिलेट, ज्वार, मेज, शुगर केन एक्सेट्रा. ये दिखने में कैसे होते हैं, ये जो अडल्ट इंसेक्ट होते हैं ये 20 mm इन लेंथ होते हैं, लाइट ब्राउन इन कलर होते हैं. इनकी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होती है एंड 4 जॉइंटेड एंटीना होते हैं. इनकी जो निम्फ होते हैं वो अडल्ट से स्मॉलर होते हैं एंड ग्रीन इन कलर होते हैं. हैबिट्स क्या होती है इनकी, ये इंसेक्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स के दौरान ही एक्टिव रहते हैं. जो अडल्ट इंसेक्ट होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल इमिट करते हैं अपने थ्रेसिक ग्लैंड से, इसलिए हम इन्हें गंदी बग कहते हैं. ये इंसेक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं जुलाई टू नवंबर के मंथ में और हाइबरनेट करते हैं दिसंबर टू फरवरी के मंथ में. लाइफ साइकिल इनकी क्या होती है, जिनकी लाइफ साइकिल होती है वो 4 to 5 weeks में कंप्लीट हो जाती है. ये जो पेस्ट होते हैं क्या होते हैं, ये कब बाहर आना स्टार्ट करते हैं, जो मॉनसून की जो पहली बारिश होती है तब ये बाहर आते हैं और ब्रीड करते हैं ग्रासेस पे या फिर अदर वाइल्ड होस्ट होते हैं जो फील्ड में उन पर. 3 stages होते हैं लाइफ साइकिल में, एग, निम्फ एंड अडल्ट. जो एग्स होती है ना, फीमेल्स एग ले करती हैं 24 to 30 eggs ले करती हैं इन 3 rows ऑफ 5 to 20 eggs में पैडी के प्लांट के लीफ पर. जो एग्स होती हैं वो ब्लैक होती हैं, ओवल होती हैं और फ्लैट इन शेप होती हैं. इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, ये 5 to 8 days का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. जो निम्फ सेकेंड आती है, निम्फ क्या होता है, एग्स जो होते हैं निम्फ में हैच आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं. निम्फ क्या होते हैं, ये पेल इन कलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्लेंडर होते हैं, लॉन्ग लेग्ड होती है एंड द डिवॉइड ऑफ विंग्स होती है, क्योंकि उनमें विंग्स नहीं होते निम्फ में. निम्फ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अडल्ट में 15 to 18 days में आफ्टर अंडरगोइंग द 5 moultings. अडल्ट क्या होते हैं, जब अडल्ट में क्या होता है कि जो निम्फ होते हैं उनमें विंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. जो लाइफ स्पैन होता है अडल्ट का, क्योंकि ये बग होते हैं तो हमें इनका होता है 33 to 35 days का. हमें याद रखना होता है कि कौन सा मोथ होता है, कि कौन सा इंसेक्ट बग होता है. सो जो राइस गंदी बग है वो है बग. डैमेज कैसे कोज करते हैं, जो मेन डैमेज होता है वो कोज किया जाता है बाय द निम्फ एंड द अडल्ट. ये दोनों ही मिल्की सेल सैप को सक करते हैं यंग ग्रेन से, जिससे कि जो ग्रेन्स होते हैं वो मतलब श्रिंक हो जाते हैं, श्रिवल हो जाते हैं एंड टर्न इन वाइट. जो डैमेज ग्रेन होती है वो मार्क्ड हो जाते हैं बाय द ब्लैक स्पॉट ऑफ फंगस. ये हमने कभी देखा भी होगा, अक्सर देखते हैं हम इन्हें, जो ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं फसल पर, उन्हें फंगस लग जाती है. सो जो क्रॉप होती है इससे क्रॉप 40% तक डैमेज हो सकती है, बट कभी कभी उससे भी ज़्यादा हाई हो जाता है ये डैमेज को, जिससे कि कोई हार्वेस्ट नहीं होती. इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो पैडी ग्रोइंग एरियाज है ना शुड हैव द वाइल्ड ग्रासेस इन सराउंडिंग, ठीक है, नहीं होनी चाहिए. क्या सेकंड आता है, सच वेराइटीज ऑफ राइस शुड बी ग्रोन इन विथ सीड्स कम आउट एट लेटर स्टेज फ्रॉम द शीट. जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें हम लाइट ट्रैप के द्वारा पकड़ सकते हैं, उन्हें किल कर सकते हैं. जो लीव्स होती हैं, जिन लीव्स पर एग होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए और उन्हें जला देना चाहिए. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. काफ़ी ईजी बेस्ट हैं ये, हम एक तो बार भी पढ़ेंगे ना तो भी हमें हमेशा के लिए याद रह जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.